तो जब तक मेरे योगा मैट्स क्लीन हो रहा है तब तक मैं ये मेरा किचन का कट्टा और गैस और ये सब यूटेंसिल्स अभी क्लीन करने वाली हूँ। तो पहले किचन का कट्टा क्लीन करूँगी। मैं इसे कुछ इस तरीके से स्क्रबर से क्लीन करती हूँ। फिर गैस को भी क्लीन करती हूँ। तो इसे इजीली इस स्क्रबर से इजीली आपका किचन का क्लीनिंग हो सकता है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ और उसके बाद पानी से इसे अच्छी तरीके से धो देती हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप मेरा किचन का जो कट्टा है और गैस है ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। अभी मैं यूटेंसिल्स को साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स ये सब अभी मेरे बर्तन जो मैंने फराड़ बनाया था वो सब अभी ख़त्म हो गया है। तो ये सब बर्तन पड़े हैं तो ये अभी पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये अच्छे कंटेनर है यानी इसमें माइक्रोवेव को भी चलता है और फ्रीज में भी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स मेरे बर्तन मांज के रेडी हो गए। देखिए पूरा मैंने किचन को क्लीन किया, गैस क्लीन किया, उसे अच्छे तरीके से प्लेस किया है ये बर्नर्स को, और ये मेरे बर्तन सब क्लीन हो गए। चलिए चलते हैं मशीन की तरफ। तो मेरा मशीन जो है ये, इसमें वो जो मैंने मशीन में मैट्स डाले थे तो वो क्लीन कर रहा है। सो अभी क्लीन होने के बाद मैं फ्लोर को, अभी हो गया है और अभी मैं फ्लोर को क्लीन करूँगी।